नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज़ 7,200, मतलब 7,200 जो है ना वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, रीड करना है ग्राफ को एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको नीचे क्वेश्चंस नज़र आ गए हैं, हमने इनका क्या करना है, आंसर करना है। लेकिन हम पहले अपने पाई ग्राफ को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, देखें वो क्या कह रहे हैं। 150 डिग्री स्टूडेंट्स जो है ना, एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है, ठीक है। पहले तो हमने इस एंगल ऑफ सेक्टर को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में चेंज करेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस के जो है ना ये आंसर करेंगे। फर्स्ट में देखें जी, 150 डिग्री बस यूज़ करते हैं स्कूल आने के लिए स्टूडेंट्स, 30 डिग्री मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, 80 डिग्री कार यूज़ करते हैं एंड 100 डिग्री जो स्टूडेंट्स का एंगल ऑफ सेक्टर है वो बाईसाइकिल यूज़ करते हैं टू कम इन द स्कूल, ठीक है। अब ए पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज द बस टू कम टू स्कूल। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एंगल आंसर यहाँ पर क्या गिवन है, 150 डिग्री, लेकिन उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस यूज़ करते हैं स्कूल आने के लिए। तो यहाँ पर से हम यहाँ से डायरेक्ट थोड़ी बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल ऑफ सेक्टर को इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जो फार्मूला वही यूज़ करेंगे हमारे पास जो एंगल ऑफ सेक्टर का था, उस पर थोड़ी सी चेंजिंग करके हम ये वाली चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट दिस सिक्स क्लास, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिख लिया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती हैं जी बेटे। इसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे विच आर 7,200, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ लुक एट द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड्स। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सेक्टर्स, हर वैल्यू का सेक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें फार्मूला जो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर का था, हमने उसी को यूज़ किया है। उसमें हमारे पास क्या था, एंगल ऑफ सेक्टर पहले गिवन था, ठीक है, 360 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, टोटल वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर हमने अलग कर लिया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ कार्स, कितने स्टूडेंट्स ने कार यूज़ की है, कार थे 80 डिग्री पर जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 80 डिग्री ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे हम विथ 360 डिग्री के साथ एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 7,200, ठीक है। 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 को अगर हम 720 पे कट करें तो 36 वंस आर 36, 36 टूज आर 72, ये ज़ीरो पर आ गया। 20 को 80 से मल्टीप्लाई करें, 8 टूज आर 16, दोनों ज़ीरो यहाँ पर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच यूज कार्स टू कम इन द स्कूल आर 1600। सेम वे में हम बाकी भी फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ मोटरसाइकिल, वो थे हमारे पास 30 डिग्री, तो हमने 30 को डिवाइड किया विद 360 डिग्री, मल्टीप्लाई किया अगेन 7,200 के साथ, ज़ीरो अगेन ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 वंस आर 36, 36 टूज आर 72, ज़ीरो ऊपर आ जाएगा। 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 30 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज बाई साइकिल, उसमें हम 100 डिग्री थे, 100 बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 7,200, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस, 150 डिग्री था, उसको हम डिवाइड करेंगे विद 360 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,000। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन, ए पार्ट था हमारे पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज द बस टू कम टू स्कूल, तो इसका आंसर वो आएगा जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट किए थे बस में, तो इसका आंसर है जी आपके पास 3,000, ठीक है। ये देखें ए पार्ट का आंसर है यहाँ पर 3,000। बी पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज़ मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल टू कम टू स्कूल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल दोनों इस्तेमाल करते हैं स्कूल आने के लिए। तो आपके पास देखें बाईसाइकिल वाले थे 2,000, हमने 2,000 लिखा, उसके बाद मोटरसाइकिल वाले थे 600, तो हमने 600 प्लस कर दिया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2,600।
उसके बाद सी पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू गेट टू द स्कूल, मतलब जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हम इजीली अपने ग्राफ को देखते हुए बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो आपके पास है एंगल ऑफ सेक्टर है वो किसका है, बस का है। तो ऑब्वियस सी बात है बस वाले ही ज़्यादा होंगे। तो इसको लेकिन हमने वहाँ पर भी अगर हमने फाइंड आउट किया था इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो सबसे ज़्यादा थे, 3000 थे। तो इसका आंसर आ जाएगा बस। नंबर डी पे देखें, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डज लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू गेट टू द स्कूल, वो पूछ रहे हैं जो आपके पास कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो सबसे कम बच्चे जो है ना वो यूज़ करते हैं स्कूल आने के लिए। तो इसको भी हम इजीली अपने ग्राफ से देख सकते हैं कि आपके पास सबसे जो कम एंगल ऑफ सेक्टर है ये है मोटरसाइकिल का, 30 डिग्री, और इसका आंसर भी हमारे पास 600 आया था, वो सबसे कम था। तो इसका आंसर आ जाएगा मोटरसाइकिल। नंबर ई पे देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कार यूज़ करते हैं। तो इसका जो है ना वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखें यहाँ पर मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं। तो ई पार्ट का आंसर है आपके पास 1600 स्टूडेंट्स हैं जो यूज़ कार टू कम इन द स्कूल। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ जाएगी और आप इसको होमवर्क करने के बाद अच्छे बच्चों की तरह उसकी पिक्चर्स बना के KPS के नंबर पे व्हाट्सएप भी करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने काम सही किया, आप लोग पिक कर रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ़।